कलेक्टर साहब के ऑफिस में ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक से मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सीरत कमेटी के तमाम जिम्मेदार, जमीयत के जिम्मेदार और तमाम मुसलमान जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे। शिवपुर और दीगर शहरों से भी मुसलमान हजरात आए थे, जिसमें जुलूस के ताल्लुक से मशवरा हुआ। गणेश विसर्जन और जुलूस एक ही रोज़ आने की वजह से जो मसला पैदा हो रहा था, इसके ऊपर कलेक्टर साहब, एसपी साहब के साथ मशवरे के बाद ये तय पाया है कि दोनों टकराव नहीं होना चाहिए और शहर में अमन बना रखना चाहिए। इस वजह से मुसलमान बिरादरान ने, वतन ने ये फैसला किया कि जुलूस 19 तारीख को निकाला जाए, तो 19 सितंबर को सुबह 10 बजे धुलिया शहर में जुलूस निकाला जाएगा। सभी धुलिया शहरियों से गुजारिश की जाती है कि जुलूस में अमन कायम रखे। जो फैसला डिपार्टमेंट की और दीगर हजरात की तरफ से हुआ, इसे कबूल करते हुए हमने अपने वतन के शांति के लिए अपने उसको कबूल करना चाहिए और जुलूस में ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे या किसी की दिल आजारी हो। हमने हमारे नबी की तालीमात को आम करना चाहिए। हमें खुश मिजाज से एक अच्छे अंदाज में, अच्छे लिबास में जुलूस में शामिल होना चाहिए और बड़े जोश और खरोश के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहिए। डीजे सख्ती से डीजे की मनाही है, किसी ने भी डीजे लाने की कोशिश नहीं करना चाहिए और किसी ने लाया तो उसकी जो भी जलील होगा, जो भी उसके साथ होगा, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। लिहाजा डीजे ना लाया जाए, ये इस्लाम से भी हराम है और शरीयत से भी मना है। तो सभी लोगों ने इसका ख्याल रखना चाहिए। जब हमारे नबी की विलादत मना रहे हैं तो नबी की बात सुनना चाहिए ताकि हम ईमान के साथ दुनिया से जाए। और इसका ख्याल रखते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वाखिर दावाना अनिल हमदुलिल्लाह।